हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करने वाली, वैसे थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही जाते हैं मैं क्या शेयर करने वाली, बट फिर भी दिखा दूं। आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूं, ये है 24K गोल्ड एनर्जी ब्यूटी बार इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन फेशियल मसाजर। मैं तो सिर्फ फेशियल मसाजर बोलने वाली थी, जो कि बहुत ही, मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको बता दूँ, ये जब आपको, मैंने इसको अमेजोन से लिया है, कितने का पड़ा है, प्राइस वगैरह सब मैं साथ साथ मैंशन कर दूँगी। ये आएगा तो आपके पास ऐसे आएगा, ऊपर से अमेजोन की जो बॉक्स होते हैं वो होगा, और अंदर से ये ऐसा होगा जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अंदर ये एक इसका दे रखा है, मुझे इतना ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आया कि कैसे क्या यूज़ करना है, मींस समझ में, मींस इंग्लिश में है, आप समझ सकते हो, बट इसके बारे में मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैं क्या ही बताऊँ। एंड इसको दे दिया है पाउच सा, ताकि आप कहीं भी जाओ आप कैरी कर सकते हो, अपनी बैग में, अपनी पर्स में, कहीं भी डाल दिया तो इसको कैरी कर सकते हो बहुत इजीली। ये रखा हुआ है, इसको रखने का जैसे उसका शेप है सेम वैसे ही दे रखा है। एंड ये ऐसे पैक करके आप कहीं भी इसको अपने बैग वगैरह में डाल के आप ट्रेवल कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड ये है प्रोडक्ट जो आपको दिखेगा, टी शेप का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं पास से दिखाऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है। इसमें एक सेल लगती है, सेल वही लगती है जो वॉच वगैरह में, वॉल वॉच होती है ना, जो लगती थोड़ी सी बड़ी वाली, वो वाली लगेगी। तो मैं आपको अब इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, पहले इसके बारे में पूरा अच्छे से बता दूं, क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है। तो ये एक टी टाइप का मसाजर, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये एक मसाजर है, आपको फेस पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो यूज़ करके भी आपको दिखा दूंगी, साथ साथ में पहले मैं बता दूं क्यों यूज़ करना है। देखो हमारे फेस पे क्या है, हमारी स्किन ना एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ स्किन डल होने लगती है, जो स्किन पे डलनेस चली जाती है, स्किन पे पिगमेंटेशंस आने लगती हैं, स्किन पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिंकल्स आने लगती हैं। तो जो रिंकल्स होते हैं ना, उनको छुपाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप फेस पैक भी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रिंकल्स को सबसे ज़्यादा हाइड आपके प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि वो उनको ना, जो इसमें अच्छा हाँ, इसमें ना वाइब्रेशन भी होगी, जब आप इसमें टिंग, मतलब अजीब सा होगा, जैसे हल्का सा कुछ चल रहा हो, चीटी सी चल रही हो, ऐसा फील आएगा, दर्द नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको फील आएगा कि इसमें वाइब्रेशन सी हो रही है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है, अगर आप हाइड्रा फेशियल वगैरह कराओगे आज के टाइम पे, तो हाइड्रा फेशियल में जो मसाज देते हैं ना फेस पे, इलेक्ट्रिक सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसमें तो यार डर भी लगती, क्योंकि उसमें ना वो केबल लगी होती, तो डर लगता है कि ऐसा ना हो करंट आ जाए, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल सेल है, सेल इसके अंदर लगी, मैं सब दिखाऊंगी अभी आपको। तो इसमें जब आप मसाज करोगे, तो जो रिंकल्स होती हैं, रिंकल्स सबसे पहले कहाँ आते हैं, हमारे लिप्स एरिया के पास, हमारी आईज के नीचे आते हैं, और रिंकल्स आपको सबसे पहले यहीं पे आते हैं, जो दिखने लगता है कि हाँ हमें यहाँ रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो आईज के नीचे और लिप्स एरिया के पास आते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है हमारे आईज के नीचे की स्किन और लिप्स के आसपास की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, नॉट सेंसिटिव, सॉफ्ट कह सकते हैं आप। और ऊपर से ये वेट वगैरह का जब चलता है, जो लोग वेट कम करते हैं, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही, मैंने वेट कम तो किया, बहुत खुश भी हुई, बट अब ऐसा लग रहा है वेट कम करने के बाद थोड़ा सा आईज वगैरह के नीचे स्माइल करती हूँ तो मुझे वो रिंकल्स, क्योंकि आपका वेट कम हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है वो स्किन कहीं चली तो नहीं गई ना, जो स्किन बहुत टाइट हो गई थी वेट के साथ, वो थोड़ा लूज हुई, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ होगा। तो यार फेस से तो कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है, धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है, आपकी स्किन लूज होने लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, आप उस तरीके का खाना पीना, जो मेन है पिगमेंटेशन है, रिंकल्स है, इन सब के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। मेरे पास और भी मसाजर रखे हैं, बट इसको जब मैंने यूज किया तो मुझे लगा इसको मैंने पहले क्यों नहीं मंगाया। पहले मैं देखती थी, मैं सोचती थी मंगाऊं ये फालतू है नहीं मंगाना, बट अब मुझे लगता है मैंने पहले क्यों नहीं मंगाया, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको किया ना, तो मैंने इसको जब यूज किया था तो इस पे मैंने थोड़ा सा फेशियल ऑयल लगाया था। अब इसको यूज कैसे करना, आपके पास फेशियल ऑयल हो, यूज पहली बात तो इसको टीनेजर्स नहीं करेंगी, जो कम एज की लड़कियां, उनको ऐसा कोई इशू होता नहीं है, वो नहीं यूज करेंगी। और ये पहली चीज बता दूं, मेंस भी यूज करते हैं, वुमेन्स भी यूज करते हैं, इसको सब यूज कर सकते हैं, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को कोई रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको यूज नहीं करना है।
इसको जब भी यूज करना है, आपने अपना फेस क्लीन किया, फेस वॉश जरूर कर लेना। फर्स्ट स्टेप है आपका फेस वॉश होना चाहिए। देन उसके बाद आपके फेस पे कोई फेशियल ऑयल, आप फेशियल ऑयल अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप डेली यूज में लगा रहे हो, नॉट कि कोई आप स्पेशल इसके लिए मंगाओगे। मेरे पास फेशियल जेल भी है, फेशियल ऑयल भी है और मॉइस्चराइजर भी, तो जो मुझे जिस टाइम लगता है मेरे फेस को भी जैसे ड्राइनेस है मुझे जरूरत है, तो मैं फेशियल ऑयल भी लगा लेती हूँ, फेशियल क्रीम भी लगा लेती हूँ। तो उससे इसको करना कैसे है वो जरूर ध्यान रखना, मैं करके दिखाऊंगी। अगर आप इसको करोगे तो आपको एक बार में भी इसका रिजल्ट दिखेगा बहुत अच्छा। इसको यूज करना, पहली चीज इसको मंगाना। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा है ना, ऑन ऑफ लिखा हुआ है ना। आप जैसे ही इसको ऑन ऑन की तरफ करोगे ना, ये आपको शायद वॉइस आवाज आ जाए, आ रही है आवाज, थोड़ी थोड़ी सी आ रही होगी। ये देखो, ये ना, ये जो वाइब्रेशन के साथ जब ये मसाज करेगा ना, अभी तो मैंने मेकअप किया है, मैं अभी मेकअप रिमूव करके आपको करके दिखाऊंगी। तो ये जो आपकी स्किन में, ये देखो, और इसको बंद करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये टाइट किया और ये बंद हो गया। इसकी सेल भी यहीं से लगेगी, तो कोशिश करना सेल यहां से भी लग जाएगी। सेल अगर आप ओपन करोगे तो यहां से भी सेल लग जाती है, ओपन करके दिखा दूं, ये है, इसमें सेल है, अंदर एक सेल लगेगी, वॉच वाली मैंने बोला था। एंड इसके बाद इसको बंद कर देना, और ऑन ऑफ वाला सिस्टम यहाँ से है, मैंने आपको दिखा ही दिया था, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, लाइट आ रही है, ऑन ऑफ। तो ये ऑन करोगे यहाँ से तो वाइब्रेशन होगा, ऑफ करोगे तो कोई खास, आपको डरना भी नहीं है कि हाईलाइट में लगा हो, ऐसा ना हो कि इसमें अर्थिंग आ जाए, करंट आ जाए, सब कुछ नहीं भाई। मैं बेसिकली इन चीजों से डरती हूँ, तो जिन्होंने हाइड्रा फेशियल कराया है उनको पता है, जो फेशियल में मसाज के लिए यूज करते हैं उसमें कहते हैं ना कि अभी रिंकल्स के लिए है, ये वाला जो मसाज होगा मैडम ये रिंकल्स के लिए है, ये पिगमेंटेशन के लिए, सेम वही वाइब्रेशन है इसमें, इससे ज्यादा नहीं। वाइब्रेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब वाइब्रेशन होती है तो हल्का सा ना स्किन खिंचती है, थोड़ी सी टाइट होती है, तो उस समय जो वाइब्रेशन के टाइम पे फेशियल होता है ना वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो अब मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि इसको यूज करना है नहीं यूज करना है, मैं सब बता दूँ। अब मैं इसको यूज करके आपको दिखाऊँ पहले फटाफट से, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है जब मैं यूज़ करूँगी, जो अपना सीटीएम रूटीन फॉलो करते हैं उससे पहले। तो इसके लिए चाहे आप फेस क्लीन करने के बाद फेस वॉश हो, चाहे एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, कोई रोज़ वाटर भी ले सकते हो, अगर पास कोई फेशियल ऑयल है, स्किन बहुत ड्राई है तो वो भी ले सकते हो। मैंने लिया है अपना रोज़ वाटर, टोनर भी हो सकता है, और जो भी हो, टोनर हो या रोज़ वाटर हो, कुछ भी एलोवेरा जेल हो, थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई करना, क्योंकि रीज़न ये है, एक तरीके से आप मसाज करोगे ना फेस की, तो आपके फेस पे इक्विपमेंट जो चलता है ये थोड़ा सा अच्छे से असर दिखा सके, अच्छे से अपना काम कर सके। तो जब प्रोडक्ट अच्छे से लगा होगा, अच्छा यहाँ से मैं इसको ऑन कर रही हूँ, इसका ऑन का सिस्टम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ना वाइब्रेशन टाइप की होगी। एंड इसके बाद इसको अपर डायरेक्शन में मसाज करना है, वाइब्रेशन से डरना नहीं है, वाइब्रेशन सिर्फ इसलिए होती है, जो रिंकल्स वगैरह होते हैं आपको उसको रिमूव करेगा, खास करके रिंकल्स के लिए ही है। तो इसको आप इजिली अच्छे से अपनी आईज एरिया के पास भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, देख सकते हो। तो ये क्या होता है ना, जो आपके आईज वगैरह के पास, लिप्स वगैरह के पास, फेस पे ना रिंकल्स जल्दी आते हैं, तो स्किन थोड़ा सा ऐसे हाथ से टाइट करके तो अपर डायरेक्शन में करोगे, मैं कर रही हूँ, और अब आपको वाइब्रेशन इसमें दिख भी रही होगी अच्छे से। तो जब आप ऐसे ऐसे करोगे दोनों तरफ ना, आपको थोड़ी देर में डिफरेंस अपने आप दिखेगा, बट ये ऑन होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें एक सेल लगती है, जैसे वॉल क्लॉक होती है ना, वैसे ही सेल इसमें लगती है। तो आराम से अच्छे से दोनों साइड में मसाज करूंगी, इधर की साइड मैंने किया है और इस दूसरे साइड में नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा। इतना कोई खास एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, अपने बैग में कैरी कर सकते हो। मैं लिप्स एरिया के पास बहुत अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे पता है कि रिंकल सबसे पहले आपकी आईज एरिया और लिप्स एरिया के पास आते हैं, क्योंकि स्किन यहाँ की बहुत पतली होती है इसलिए। तो इसको आप चाहो तो, आपको लगता है स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप कर सकते हो, एलोवेरा जेल से भी कर सकते हो, अगर फेशियल ऑयल चाहते हो तो उससे भी कर लो, विटामिन सी सीरम आप लगाते हो, अप्लाई करते हो उसके बाद भी कर लो, बस इसको यूज करो, कैसे भी यूज करो यूज करो। आपको थोड़ा सा मेरा फेस ना स्लिम स्लिम सा एक साइड में दिखेगा, वैसे अब थोड़ा सा स्लिम होने लगे, वेट कम कर रही हूँ ना। तो मैं भाई मसाज इसका कम से कम मैं 5 से 7 मिनट करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, और डेली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन करो 3 दिन करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रुक भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने क्यों नहीं किया। तो आपका ये जो बोन होती है ना चीक की, ऐसे अपर डायरेक्शन में ले जाके करोगे, स्किन थोड़ी सी टाइट होगी, जो रिंकल्स आ रही है ना, झुर्रियाँ, देखो आईज एरिया के पास, मैंने इसको ऑफ भी कर दिया। चाहो तो आप अगर फेशियल ऑयल वगैरह लगाए हो तो ऑफ करके भी अच्छे से मसाज कर सकते हो,
जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। धीरे 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 कर लो, इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। डेली डेली यूज करो, रिजल्ट जरूर दिखेगा। देखो मैंने इसको यूज करके आपको दिखा दिया है, मुझे पता है ये बहुत यूजफुल है और मैं सच बता रही हूँ कि कितने का है ध्यान मत देना। वैसे शायद मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कितने का है ज्यादा ध्यान मत देना। आपके पास ये एक इक्विपमेंट होना चाहिए आपके फेस के लिए, फेशियल के लिए, तो इसको अपने पास रखो। अगर आपको रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करना है, जिनको रिंकल्स आ गई उनके लिए भी, जिनको रिंकल्स नहीं आई उनके लिए भी, तो आप प्लीज इसको मंगा के अपने पास रखो। इसको कैरी करना थोड़ी सी जगह लेता है, ज्यादा जगह नहीं लेता ये, तो ये एक चीज आपके पास होनी चाहिए। आपको अपने फेस को सुंदर दिखाना है, चमकदार दिखाना है, आपके फेस पे नेचुरल ग्लो खत्म हो चुका है, तो आप इसको जरूर अपने पास रखो, यूज करो, आपको अपने आप ही रिजल्ट दिखने लगेगा थोड़े टाइम बाद। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है मैंने वो बता दिया। यूज कितने दिन करना है, डेली तो कोई फेशियल नहीं करता आप, मैं बोल रही हूँ मेरे कहने से वीक में एक दिन अगर आप ध्यान दोगे। तो पहले मैंने जब वेट कम किया तो मेरी आंखों के नीचे रिंकल से दिखते थे, मैं बहुत डर गई थी कि यार इतनी तो एज भी नहीं, ये क्या हो गया, मैंने वेट कम करके गलती कर दी। बट अब ध्यान से देखोगे तो मेरी आंखों के नीचे रिंकल्स कम है क्योंकि मैं अब इसको यूज करती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट है इस टाइम, तो आप लोग इसको यूज करो। कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको पूरा डिटेल बता दूंगी। वीडियो में कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी मैसेज करके कमेंट। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट थोड़ा सा बिजी रहती हूँ इसलिए नहीं कर पाती, थोड़ा लेट रिप्लाई करती हूँ, बट करती जरूर हूँ। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? आई होप बहुत पसंद आया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।